फोर्थ ईयर पर्शियन सियासतनामा का पैराग्राफ नंबर 8 इसका मुकदमा करेंगे। उसने कहा तरा दीवानगी रंजमीदार, तुझे दीवानगी का मर्ज हो गया है, कर आनमी कर दी तेरा इलाज तो यह है कि बस दीवानगी तू हुक्म करूँ कि तेरे इस पागलपन की वजह से मैं हुक्म दूँ, तब बेफरमायम तब तेरा दर बीमारिस्तान खुला तब तुझे अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, तब बेबंदी पर तू तो वहाँ पर तू रहे जानदारी जहाँ तक तू जिंदा है, अजान जाना रही हो तो हाथ वहाँ से तुझे रिहाई न मिले जब तक नहीं अब तेरे इस बीमारी का इलाज तो यह है कि मैं हुक्म दूँ कि तुझे पागलखाने में दाखिल कर दिया जाए और तू वहाँ पर उस वक्त तक रहे जब तक तू जिंदा है। मन बेहतर सीदम मैं डर गया दर दिल करता उसके इसने तहिया कर लिया है कि बेमन ही इतना तहत के मुझे कुछ नहीं देगा, नहीं मैं इस बात को समझ गया कि ये काजी जो है इसने इस दिल में फैसला कर दिया कि मुझे वो कुछ नहीं देगा, हर चे हुक्म जो हुक्म देगा मर्दमान बारान रवान उसके करिंदे उस पर अमल करेंगे, नरमक नरमक अस पेशे बखासम तो आहिस्ता से मैं वहाँ से उठा और बाहर आ गया बैरून आमदम और बाहर आ गया, बाबा खुद गुफ्तम और मैंने अपने आप से कहा कि गुफ्तान के कहते हैं यह हकायत है कि गोश्त गंदा शवत नमकश बर रंग, अगर गोश्त गंदा हो जाए उस पर नमक डाला जाता है, चारा छः बाशुब क्या तदबीर अख्तियार की जा सकती है या क्या किया जा सकता है क्यों बेगन नमक या नमक ही गंदा हो, हमां दावा हा बे काजी दुरुस्त काजी के तमाम बातें दुरुस्त हैं क्यों काजी बेदादी को नहीं जब काजी बदयानती का मुजहरा करेगा, ईस्ट के अस्काजी दाद बेदर्द दस्तानत कौन है जो काजी से इंसाफ ले सके, अगर अजतौला दादगिरी बूदी अगर अजतौला इंसाफ पसंद होता इंसाफ करने वाला होता 20,000 दिनार मन मेरे 20,000 दिनार का दस्ते काजी न बूदी काजी के हाथ में ना होते, पवन चुनी गुरुसना बेचारा और मैं इस तरह भूखा पैसा समाज माल अज मुल्क मुल्क शहर वतन खवेश न बुरीदी अपने मुल्क में भूख प्यास की हालत में ना होता, वही नहीं गिरफ्तार और ये क्या कर वो मैं चल पड़ा।